हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तौहीदार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्पल बोन्स के अटैचमेंट की और उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की। एज यू नो दैट प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कार्पल बोन की ऑस्टियोलॉजी की और ऑसीफाई सेंटर की भी बात की थी। इस पार्ट टू में हम बात करेंगे बेसिकली इसके मसल अटैचमेंट, कौन कौन सी मसल अटैचमेंट होती है और कौन सी बोन से होती है, कार्पल बोन्स की कौन सी बोन से अटैचमेंट होती है। जो बेसिक बीडी चौरसी हमें लिखी हुई हैं, हम सिर्फ उसी को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो उससे पहले कुछ मैं आपको एक आर्टिकुलेशन बता दूँ। आर्टिकुलेशन अगर आर्टिकुलेशन बेसिकली मैंने वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कराया आर्टिकुलेशन पार्ट वन में, लेकिन पार्ट टू में मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ आर्टिकुलेशन क्या होता है। अगर आपसे लिखने के लिए आए पूछा जाए तो आर्टिकुलेशन हर एक बोन्स के लिए, ये क्या है, स्कैफोइड, लूनेट और ट्राइकोट्रम या ट्राइकोट्रल और पीसीफॉर्म, फिर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट, ये 8 बोन है कार्पल बोन्स। अब इसमें देखा ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर रेडियस है, रेडियल कौन सी साइड की बोन है, हमारे लेटरल साइड की बोन है। तो यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें इसकी ट्रेपीजियम की, तो ट्रेपीजियम की लेटरल साइड क्या है, किसी से आर्टिकुलेट नहीं है। और इसकी भी, किसकी, स्कैफॉइड की भी लेटरल साइड किसी से भी आर्टिकुलेट नहीं। अब आर्टिकुलेशन की बात करेंगे तो बेसिकली ये आर्टिकुलेट किस किस से है, ये अगर स्कैफॉइड की बात करें तो स्कैफॉइड रेडियस से आर्टिकुलेट है, फिर ट्रेपीजियम से, फिर ट्रेपेजॉइड से, फिर कैपिटेट से और फिर उसके बाद लूनेट से। इस तरीके से आपको फिगर बनाना है पिक्चर, और उस हिसाब से आपको बता देना हर एक बोन का किसके साथ कौन सी अटैचमेंट। अगर सपोज दैट आपको ट्रेपीजियम बताना है आर्टिकुलेशन, तो इसका स्कैफॉइड से आर्टिकुलेशन है, फिर उसके बाद ट्रेपेजॉइड से, फिर उसके बाद आपकी यहाँ पर यह है फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, उससे अटैचमेंट है। अब हम बात करेंगे बेसिकली मसल अटैचमेंट की। मसल अटैचमेंट आपको कहाँ कहाँ से और कौन कौन सी मिलेगी, है आपकी पीसी फॉर्म। तो इस पीसी फॉर्म में से आपको 3 मसल्स जो है यहाँ से, अगर आप पिक्चर देखें तो पिक्चर में मिलेंगे, ये 2 ओरिजिनेट होंगी और एक इंसर्टेड मसल दिखाई देंगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, यहाँ से एक मसल्स आती होगी, अल्ला की साइड से एक मसल्स आएगी, तो वो से बोलते हैं फ्लेक्सर कार्पी अनलेरिस। तो यहाँ पर ये कौन सी होगी, फ्लेक्सर कार्पी अनलेरिस, फ्लेक्सर कार्पी अनलेरिस मसल्स होगी जो इस साइड से इसी तरीके से आती होगी, यहाँ पर इंसर्टेड हो जाएगी। फिर 2 ओरिजिनेटेड मसल्स यहाँ से मिलेंगी आपको। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों की दोनों, ये फिफ्थ मेटाकार्पल है, तो फिफ्थ मेटाकार्पल के जस्ट ऊपर कौन सी मिलेगी आपको, यहाँ पर प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस मिलेगी। यानी कि जैसे आपको पता है कार्पल, कार्पल के बाद मेटाकार्पल, फिर फ्लेंजेस आती हैं, तो इसमें प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस और डिस्टल, प्रॉक्सिमल इंटरमीडिएट और डिस्टल, तो इसमें 3 होती हैं, प्रॉक्सिमल इंटरमीडिएट और डिस्टल, प्रॉक्सिमल इंटरमीडिएट डिस्टल, इस तरीके से ये 3 बोन्स होती है इसमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन सी बोन, पीसी फॉर्म बोन। पीसी फॉर्म बोन्स में आपको यहाँ से एक आपको मिली फ्लेक्सर कार्पी अनलेरिस, इंसर्टेड होगी यहाँ से, फिर यहाँ से 2 इसी पीसी फॉर्म बोन से ही आपको 2 मसल्स और नजर आएंगे यहाँ से, जो जाएंगे हमारे फ्लेंजेस, यानी कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फ्लेंजेस से, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, इसका डिस्टल ऊपर होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है ये मसल्स। तो इसका नाम बहुत क्या होता है, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई। और ये शॉर्ट मसल दिख रही तो इसको ब्रेबिस भी बोलेंगे, ध्यान रखना। फिर एक और मसल यहाँ से निकलेगी जो होगी, इसके नाम से ही ध्यान रखना, फ्लेक्सर कार्पी अनलेरिस, तो इसका मतलब हुआ जो फ्लेक्सन कराएगी, और कार्पी मतलब कार्पल पे आके इंसर्टेड हुई है, अनलेरिस मतलब अनला की साइड से आई है। हर मसल्स को ध्यान रखना इस तरीके से। इसी तरीके से फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई, यानी कि ये सबसे छोटी जो फिंगर है, यानी कि ये वाली फिंगर, तो यहाँ से जो है पीसी फॉर्म बोन कहीं आपको यहाँ नजर आएगी, तो यहाँ से लेके यहाँ पर जो है इस वाली बोन पर क्या होगी, इंसर्टेड होगी इस तरीके से, ये जाएगी यहाँ से लेके इस तरीके से। तो ये तो हो गई फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई, डिजिट है ना, और मिनिमाई मतलब शॉर्ट, यानी लिटिल फिंगर के लिए। फिर इसके बाद ये वाली बोन देख लिया, इसका नाम क्या है, हेमेट। और हेमेट बोन से क्या होगी, इसका जो टबरकल है, टबरकल से बेसिकली ये फर्स्ट मेटाकार्पल जो बोन दिख रही है इसके साइड पे जाके, यानी कि मैं इससे बना देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक सब जो है इसमें मसल्स जो होती है यहाँ से ओरिजिनेट और यहाँ पर इंसर्टेड हो जाती है जाके, उसे बोलते हैं ओपोनेंस डिजिटाई, डिजिटाई मिनिमाई, मिनिमाई ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई जो मसल्स होगी वो हेमेट बोन से और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन से है इस पे आके इसके अटैच हो जाएगी यहाँ से। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें कौन सी आपको एक मसल्स मिलेगी, यहाँ तो 4 मिलेगी, यानी कि फ्लेक्सर कार्पी अनलेरिस, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई, और एक जो मसल्स मैंने बताई आपको यहाँ पर, ये थी अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, अबडक्टर
डिजिटाई मिनिमाई, ये जो यहाँ से जा रही है यानी पीसी फॉर्म से दो मसल जा रही हैं इस तरीके से, तो अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई जा रही है और फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई जा रही है। फिर उसके बाद हेमेट से और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन है, इस पर आके अटैच होती है कौन सी, अपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई। फिर उसके बाद मैं बात कर लूँ अगर इसके फॉइड बोन की, तो इसके फॉइड बोन में अगर एक मसल यहाँ से ले लूँ मैं, यहाँ पर कुछ इस जगह आपको जो है एक मसल मिलेगी जिसका नाम है अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और ये कहाँ पर जाएगी, बेसिकली ये अटैच होके यहाँ पर ख़त्म होगी, यानी कि ये दिख रहा फर्स्ट फ्लेंजेस प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस दिख रही है, यहाँ पर आगे इसमें अटैच हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो इसका काम क्या होगा, नाम में ही लिखा हुआ है इसका नाम क्या है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ इस मसल का तो इसका नाम है अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। अब इसके नाम से अबडक्टर कराएंगे यानी कि अबडक्शन और एडक्शन होता है, यानी कि ये हमारा थम है और थम का मतलब जो है एनाटॉमिकल नेम इसका क्या है, पॉलेक्स, और इसीलिए पॉलिसिस बोला इसको, तो एडक्शन और एबडक्शन, तो ये एबडक्शन तो करा रहा है, ए बी डक्शन या एबडक्शन, ठीक है, तो इसके लिए मसल होगी, और पॉलेक्स पॉलिस हमारे थम के लिए है, दूसरा ब्रेविस शॉर्ट मसल है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको एक और मसल यहाँ से मिलेगी इसके फाइट से, यहाँ से एरिया से, और ये कहाँ जाएगी, ये भी बेसिकली यहाँ से इस तरीके घूम के ये यहीं पर आ जाएगी, तो यानी कि फर्स्ट फ्लेंजेस अगर बात करें मेटाकार्पल के जस्ट अबव जा रही है, वो भी लोअर एंड ऑफ द फर्स्ट फ्लेंजेस यानी कि प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस से, वो भी प्रॉक्सिमल पार्ट से इसके, तो यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ पर इंसर्टेड हो रही, तो इसका नाम क्या है, इस मसल का नाम है अपोनेंस पॉलिसिस, अपोनेंस पॉलिसिस, अपोनेंस पॉलिसिस, यानी कि ये क्या करेगी, अपोनेंस करेगी मोमेंट का, थम के हमारे जो थम जो है हमारा इसका मोमेंट को क्या करेगी, अपोनेंस करेगी। फिर उसके बाद आती है एक मसल्स जो है यहाँ से मिलेगी आपको, जो आपको ये दिख रहा है कैपिटेट बोन, कैपिटेट के यहाँ से आपको एक मसल जाएगी और ये यहाँ आके कुछ इसके डिस्टल पार्ट में जाएगी, किसके, मेटाकार्पल के, फर्स्ट मेटाकार्पल के बोन पर आके इस तरीके से अटैच हो जाएगी, और इसका नाम क्या है, बेसिकली अगर मैं उसकी बात करूँ तो इसका नाम है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, इसका क्या नाम है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, तो फ्लेक्सर यानी कि फ्लेक्सन कराएगी, आपको पता है ये थम है तो थम का फ्लेक्सन क्या होगा, ये होगा, और पॉलिसिस है यानी कि थम के लिए है, और ब्रेविस मतलब शॉर्ट मसल्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक मसल्स और मिलेगी अबडक्टर पॉलिसिस, अबडक्टर पॉलिसिस बेसिकली यहाँ से अटैच होकर इस सब में यहाँ से और यहाँ पर आके क्या हो जाती है, इंसर्टेड हो, इस तरीके से मिलेगी आपको कुछ मसल्स होगी, वो क्या कराएगी इस तरीके से यहाँ पास में लेके आने का अडक्शन कराएगी, और ये तो थी आपकी अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और ये है फ्लेक्सर, ये वाली यहाँ से फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, और यहाँ से ये वाली जो मसल मैंने बताई आपको ये क्या है, अडक्टर, अडक्टर पॉलिसिस। सो दीज आर द मसल्स। अब मैं बता दूं आपको फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम कौन सी, यानी फ्लेक्सर पार्ट में होगा रेटिनोकुलम हमारे यहाँ पर, इस तरीके से आपको कुछ फ्लेक्सर रेटिनोकुलम नजर आएगा, और अगर बात करें एक्सटेंसर, एक्सटेंसर साइड पे भी क्या मिलेगा आपको, एक्सटेंसर रेटिनोकुलम मिलेगा, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में फ्लेक्सर रेटिनोकुलम मिलेगा, और एक्सटेंडर कंपार्टमेंट में आपको एक्सटेंसर रेटिनोकुलम नजर आएगा। सो इसमें दो आपको रेटिनोकुलम मिलेंगे, जो रेटिनोकुलम का क्या काम था, मैंने बताया था आपको ये टेंडन को क्या रहते हैं, इस तरीके से बाइंड की रहते हैं, अगर बहुत सारे टेंडन है तो इस तरीके से बाइंड की रहेंगे इसको। सो दीज आर द अटैचमेंट ऑन द कार्पल बोन्स। अब हम बात करेंगे इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो उसकी, तो क्लिनिकल एनाटॉमी को समझिएगा, क्लिनिकल एनाटॉमी में जो है आपको क्या क्या चीज़ में ध्यान देना है, इसमें बेसिकली आपकी ये बोन दिख रही है इसके फॉइड बोन, ये क्वाइट कॉमन फ्रैक्चर मिलेगा आपको देखने में, सबसे ज़्यादा इसमें फ्रैक्चर देखना अगर, और ये क्यों होता है, जब ऑस्ट्रेच हैंड की कंडीशन में जब कोई फॉल करता है ऑन द ग्राउंड तब सबसे ज़्यादा इसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, या फिर कोई पर्सन अपने टिप, ये फिंगर देखा इस तरीके से कोई गिरे इन फिंगर के टिप पे, तब भी आपको चांसेस रहते हैं इसके फाइड बोन के फ्रैक्चर होने के। और इसमें सिम्टम क्या नजर आएंगे आपको, तो अगर सिम्टम देखेंगे आप तो टेंडरनेस, स्वेलिंग और पेन नजर आएगा आपको उस एरिया में, बेसिकली अगर इस एरिया में कौन सा होगा, ये रेडियस टाइप का, तो रेडियस के साइड पर इस तरीके दिख रहा है, तो ये दिख रहा है इसको स्नप पॉक,
ये इश्ना बॉक्स दिखाया आपको, यानी कि आपने देखा होगा जो यहाँ से क्या इत्र वगैरह सूंघते थे पहले के लोग, लेकिन आज करके लोग चर्ची हो चुके हैं तो वो लोग यहीं से सूंघ रहे हैं। तो इसे कैसे बनता है बेसिकली मैं बता दूँ, ये टेंडर देख रहे हैं आपको, टेंडर ये टेंडर ही बनाते हैं बेसिकली। ये कौन से टेंडर होते हैं तो मैं आपको बता दूँ, अगर मैं बात करूँ इस साइड का, ये यानी कि डॉर्सल साइड का बेसिकली, ये बेसिक ये ज़्यादा ही डॉर्सल साइड का, ये है पोस्ट्रो लेटरल साइड है। तो पोस्ट्रो लेटरल साइड में आपको दो टेंडर मिलेंगे, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, दो टेंडर नजर आएंगे आपको जो इसको सप्लाई करते होंगे। फिर ये जो टेंडर लिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये दोनों टेंडर मिलकर क्या बनाते हैं, ये स्नब बॉक्स बनाते हैं हमारा, ये देख लीजिए, इसी को बोलते हैं एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। फिर इसके बाद मैं बता दूँ आपको इस क्लिनिकल एनाटॉमी में वैसे लगी, अगर ये बोन्स क्या हो रही है, फ्रैक्चर हो रही है, तो इसमें क्या होता है लायबिलिटी किस चीज़ की है, यानी कि दो चीज़ें आपको मिलेगी, नॉन यूनियन और एवेस्कुलर नेक्रोसिस, नॉन यूनियन और एवेस्कुलर नेक्रोसिस। ये कंडीशन क्यों मिलेगी आपको दोनों, बेसिकली क्या होता है जो स्केफाइड बोन होती है, स्केफाइड उसमें टू न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या होती हैं, सप्लाई होती हैं। अगर मैं इसे पिक्चर में दिखाना चाहूँ बेसिकली आपको, हमारे बीडी चौरसिया में भी इसको पिक्चर को दिखाया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसको शो करता हूँ जिससे कि आपको और इजी समझ में आ जाए। ये देखिएगा शायद आपको दिख जाए थोड़ा सा, तो इसमें देखिएगा इसमें टू टाइप की आर्टरी सप्लाई दिख रही है इसमें, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है यहाँ से ये सप्लाई हुई इसके फाइड बोन में और एक यहाँ तक आई, तो ये क्या हो गया इसका प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, ये डिस्टल पार्ट हो गया। इस तरीके से एक सप्लाई आपको नजर आएगी यहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी में, तो ये क्या होंगी एक सिंगल जगह से नहीं, अलग अलग जगह से आपको क्या मिल रही है, सप्लाई मिल रही है इसके फॉइड बोन में न्यूट्रिएंट आर्टरी की। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट तो इसको प्रॉपर तरीके से मिलता है, अगर फ्रैक्चर का मिड पॉइंट से होता है तब क्या होगा, दोनों ही ईजी तरीके से यूनियन हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि हमारी बोन फ्रैक्चर हुई, बोन फ्रैक्चर का क्या हीलिंग अच्छे से हो पाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड इस केसेस में अगर बात करें इसमें नेक्रोसिस क्यों मिल रहा है, अगर मिड से फ्रैक्चर हुआ तो यहाँ से क्या होगी, ये ब्रेक हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, आगे ब्लड सप्लाई नहीं पा गई, यानी यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट आर्टरी यहाँ तक आगे नहीं आ पाएगी, तो प्रॉपर तरीके से ये क्या नहीं हुआ, इसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, तो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा तो ये क्या करेगी, कोई फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करेगी, नहीं करेगी, जब नहीं करेगी तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, यूनियन में ये हेल्प नहीं करेगी, यानी डिस्टल पार्ट क्या नहीं करेगा, यूनियन में हेल्प नहीं, हीलिंग में हेल्प नहीं करेगी, तो इसीलिए चेंज हो जाएगा इसमें नेक्रोटिक एवेस्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि वैस्कुलर एवेस्कुलर का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर वैस्कुलर सिस्टम खत्म हो जाए। फिर उसके बाद आप क्लिनिकल एनाटॉमी में एक केस और समझिएगा, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम जो होता है बेसिकली, यानी कि लूनेट बोन का क्या होता है, डिसलोकेशन हो जाता है, लूनेट बोन जो डिसलोकेशन होगी तो उसमें क्या होगा बेसिकली, आपको पता होगा जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम होता है, यानी कि यहाँ से कुछ इस तरीके से बोन नजर आएगी आपको, अगर देखेंगे आप पिक्चर उसमें बना रखी है, ये दो बोन नजर आएंगी, ये जो बोन होगी इसका नाम होगा स्केफाइड, स्केफाइड बोन होगी, और ये जो बोन होगी आपकी साइड की इसको बोलेंगे हम ट्राइक्यूट्रल, ट्राइक्यूट्रम या फिर ट्राइक्यूट्रल, और ये होगी पीसी फॉर्म। अब जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम क्या होगा, यहाँ से क्या होता होगा, इस तरीके से लाइक रहेगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, लूनेट बोन मिलेगी, यानी कि इसके फाइट के जस्ट बगल में क्या मिलेगा, लूनेट बोन मिलेगी, और यहाँ से क्या मिलेगी आपको, मीडियन नर्व नजर आएगी यहाँ पर, ये क्या होगी, मीडियन नर्व। और ये मीडियन नर्व क्या होगी, जब ये डिसलोकेट होगी, यानी कि अपनी जगह से डिसलोकेट होगी, कौन सी, लूनेट बोन, तब ये कहाँ पर आके इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी, और इसको क्या करने लगेगी, मीडियन नर्व को कंप्रेस, यानी दबाने लगेगी, कंप्रेस करेगी, तब इस कंडीशन को बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। यानी कि कार्पल बोन है, टनल, एक टनल बना रहा है, ये दिख रहा है आपको इस तरीके से, कार्पल और फ्लेक्सर रेटिनोकुलम क्या बना रहा है, एक टनल बना रहा है, उस टनल के अंदर कुछ हो रहा है, तो सिंड्रोम, यानी कि ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सो दीज आर द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द कार्पल बोन्स। अगर आपको लगता है इसमें कोई भी पॉइंट छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर होल अबाउट कार्पल बोन्स पार्ट 2। अगर वीडियो अच्छी लगे सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।